दोस्तों नियोजित शिक्षकों से संबंधित बहुत ज़रूरी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, जानकारी, शिक्षकों के आंदोलन ने दिखाया रंग, लंबित वेतन का होगा भुगतान। अपडेट निकल कर आ रही है जहानाबाद से। जिले के आंदोलित शिक्षकों का संघर्ष रंग दिखाने लगा है। स्थानीय डीईओ कार्यालय कक्ष में बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की सार्थक वार्ता हुई। वार्ता में टीईटी एवं एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रजनधारी शर्मा, शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शंभु शंकर और परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के संजीव कुमार शामिल हुए। वार्ता के बाद शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षकों के वेतन का समय पर भुगतान के लिए डीईओ का ध्यान आकर्षित कराया गया। डीओ द्वारा बताया गया कि नियमित शिक्षकों और समग्र शिक्षा के शिक्षकों का नवंबर माह तक भुगतान कर दिया गया है। वहीं नगर परिषद पंचायत के शिक्षकों का नवंबर माह का विपत्र भी कोषागार में भेजा जा चुका है। शिक्षकों के अंतर वेतन और हड़ताल अवधि के भुगतान के लिए विभाग से अलग से राशि की मांग की गई है। राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। मृतक शिक्षकों के अनुग्रह राशि के भुगतान पर पदाधिकारियों ने बताया कि प्रमिला देवी पत्नी स्वर्गीय शशि रंजन, माध्यमिक विद्यालय प्रभात नगर मखदुमपुर ललिता देवी पत्नी हरिलाल प्रसाद, प्रारंभिक विद्यालय फरीदपुर का भुगतान कर दिया गया है। शोभा कुमारी, नूतन रानी, राजमणि देवी का भी प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिसका भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। विभिन्न शिक्षकों के प्रतिनियोजन रद्द करने के संबंध में उन्होंने कहा कि करीब 200 शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद्द कर दिया गया है। कुछ शिक्षक अभी भी प्रतिनियोजन पर बने हैं, उनका प्रतिनियोजन भी रद्द करने हेतु पत्र भेजा जा रहा है। तो दोस्तों जो आंदोलन नियोजित शिक्षकों ने किया था उसका रंग अब दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो रुका हुआ पैसा था वो आपको बहुत ही जल्दी आपके खाते में पहुंच जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके बताइए आपका कौन से महीने का पैसा रुका हुआ है, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन से जिले के रहने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके उस जिले का नाम लिख दीजिए और आगे लिख दीजिएगा नियोजित शिक्षक, जिससे कि आगे मुझे अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।